स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के कुल 3,813 पदों के लिए विज्ञापन दे दिया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत दिनों से भर्ती नहीं आने की वजह से काफ़ी दुविधाएं थी, बहुत ही एक डाउट का माहौल था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, केवल पेट का एग्ज़ाम हो रहा है, वैकेंसीज का कुछ अता पता नहीं है। फाइनली वैकेंसी आई है और बहुत से लोग इसको बम्पर वैकेंसी और मतलब कि बहुत हाइप क्रिएट करके बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ नए से तो कुछ बेहतर है। कम से कम जहाँ कोई वैकेंसी नहीं दिख रही थी, यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ वैकेंसी निकाली है। जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करें, जिससे वो एक अपना जो बेरोजगारी का दौर है उसको ख़त्म कर सके। और एक बात करते हैं इस भर्ती से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, नोटिफिकेशन आया है 4 अगस्त को और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 12 सितंबर 2023 से, मतलब अगले महीने की 12 तारीख से शुरू होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, वो 3 अक्टूबर 2023 है। और इसमें जो करेक्शन की डेट है वो 10 अक्टूबर तक की दी गई है। तो जो फॉर्म भरे जाएंगे वो अगले महीने की 12 तारीख से भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर देखें। और भर्ती की बात करें तो कुल पद, जैसे मैंने बताया, 3,813 पद हैं, जिसमें से 3,768 पद जो हैं वो सामान्य चयन के हैं और 63 पद जो हैं वो विशेष चयन के हैं। और इसमें जो भर्ती है इसमें कुल 3 तरीके के पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के पद हैं और जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3, इन तीनों के मिलाकर कुल 3,768 पद हैं सामान्य चयन के और विशेष चयन के 63 पद हैं। और इसके बारे में आप डिटेल देखना चाहें कि कहाँ पर कितने पद हैं, तो नोटिफिकेशन में आपको लास्ट में दिख जाएगा कि किस ग्रेड में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, और पूरा डिटेल वहाँ पे दिया गया है। नोटिफिकेशन आप एक बार जरूर देखिएगा। और इसके अलावा सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भर्ती के लिए कौन एलिजिबल है। इस भर्ती में, इस वैकेंसी के लिए, जो पेट 2022 से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उसका अभी तक कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है। वो कट ऑफ आपका एग्ज़ाम जो होना है, जो उसके फॉर्म भरा जाना है, उसके पहले ही आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, उससे पहले आयोग की तरफ से कट ऑफ दे दिया जाएगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए, इस भर्ती को लेकर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप ज़रूर देख लें। और जो उनका भी सर्टिफिकेट्स, जो भी जैसे EWS का सर्टिफिकेट है, OBC का सर्टिफिकेट है, उससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो, आप अभी से देखिए फॉर्म भरने से पहले आप अपने आप को हर चीज़ में क्लियर करके रखें। ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई गलती हो और वो आपके लिए बहुत नुकसान करे। तो एक बार आप नोटिफिकेशन पूरा ढंग से देख लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कि आपको करना क्या है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको अपनी तैयारी में और ताकत झोंक देनी है, पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए। और जो लोग थोड़े ढीले ढाले पड़े हुए थे कि वैकेंसी नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, उनके लिए भी अब टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा मेहनत से काम करना शुरू कर दें, क्योंकि बार बार मौका नहीं आता। और जितना देर करेंगे आप, देखिए वैकेंसी आती हैं निकल जाएंगी, जितना देर करेंगे उतना आपके लिए सिलेक्शन टफ होता जाएगा, क्योंकि जो आपसे पीछे आपके बाद के जो लड़के आ रहे हैं, जो आप जैसे मान लीजिए अभी आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया और आपके बाद के जो लड़के आ रहे हैं वो आपसे बहुत तेज़ हैं, क्योंकि जनरेशन जो नेक्स्ट आ रही है वो आपसे बहुत फास्ट है, इसलिए आपके लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। अगर आप ज़्यादा दिन तक अटके रह गए तो आपके लिए फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो भी वैकेंसीज हैं आपको उसी में अपना पूरा प्रयास करना है कि आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। अच्छे से तैयारी करिए, देखिए मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। टाइम भले थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इसके अलावा मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं कि चैनल पे बहुत जल्द ही हम लोग कंप्यूटर का जो कोर्स है, पूरा कंप्यूटर कोर्स करेंगे हिंदी में, और यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी करेंगे हम लोग।
पहले कंप्यूटर का कोर्स शुरू करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी शुरू करेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको टाइमली सारी चीज़ों का अपडेट मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें।